आजकल हम सभी घर से काम कर रहे हैं और घर से काम करते वक्त एक परेशानी सबके सामने आती है कि हमारे वाईफाई की स्पीड जो है ना वो कम हो जाती है या रुक जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने स्पीड को बढ़ाएं ताकि हमारे को ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट मिल सके और हम ऑफिस जैसा काम घर पर भी कर सके। उसके लिए हम सबसे पहले यही करते हैं, सभी यही करते हैं कि मॉडेम के जो स्विच है उसको हम ऑन ऑफ कर देते हैं। पहले ऑफ कर दिया और 2 मिनट रुककर हम उसको ऑन कर देते हैं। इससे हमारा कई बार तो काम हो जाता है लेकिन तब भी काम नहीं होता, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम अपने राउटर या मॉडेम को उसकी जगह बदल दें। जैसे मैंने क्या करा था, मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने क्या करा, इसको इसकी अलमारी में रख दिया और इसका थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि ये थोड़ा रखा हुआ अच्छा लगे, तो इसने स्पीड नहीं पकड़ी। कई बार कैसा होता है कि मैं इसकी जगह यहाँ से यहाँ बदल देती हूँ, सिग्नल लेने में भी परेशानी होती है। आप उसकी 1 फुट भी जगह बदल देंगे ना इसकी, तो ये सिग्नल लेने लगता है, तो इसकी जगह बदलने से भी सिग्नल आसानी से मिल जाता है। और अगर किसी का घर बड़ा हो या मेरे को आज ऑफिस यहाँ बनाना है, 2 दिन बाद मेरे को यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे को दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है जहाँ पर कि मेरे पास सिग्नल नहीं आते, तो मैं इस तरह का एक वायरलेस राउटर भी ले आई हूँ। इसको क्या है, हम अपने कमरे में कहीं पर भी स्विच बोर्ड में इस तरह लगा देते हैं, ये देखिए, तो मेरे पास इसी राउटर से सिग्नल्स वहां पर भी आ जाते हैं। और कई बार तब भी नहीं आते हैं, कई बार सिग्नल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तब हम क्या करें? बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें जो एंटीना होता है ना, हमें उसके एंटीना को थोड़ा सा हिलाना डुलाना है। पुराने जमाने में टीवी होते थे, उसके एंटीना होते थे, वो भी इसी तरह लोग कहते हैं कि हम हिलाते थे तो एंटीना से सिग्नल आ जाते थे। एक दिन तो बिल्कुल ही सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसके एंटीना को घुमाया तो इसमें से सिग्नल्स आने लग गए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा राउटर आउटडेटेड हो जाता है, इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो ये भी आपको देखना है कि कई बार अगर हमारा राउटर से बिल्कुल ही सिग्नल नहीं आ रहे, आपने इसकी जगह भी बदल कर देख ली, आपने इसका एंटीना भी घुमा कर देख लिया, आपने दूसरा राउटर भी वायरलेस लगा कर देख लिया, लेकिन तब भी काम नहीं हो रहा है, तो आप फिर राउटर को बदलने का समय आ गया है, तो आप राउटर बदल दीजिए। इसके अलावा जैसे हमारे फोन में अपडेट्स के लिए हमारे पास आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं कि आपका फोन अपडेट करना है, इसी तरह हमारे राउटर के भी हमारे पास मैसेज आते हैं कि अगर इसको अपडेट करने का समय आ गया है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम उन अपडेट्स को करना इग्नोर कर देते हैं या फिर हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें उसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे ही आप अपने राउटर को उसको अपडेट करेंगे, आपकी स्पीड देखिएगा चुटकियों में बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपके राउटर का, तो आप उसको फौरन अपडेट कर दीजिए, बहुत कम समय लगता है लेकिन स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हमें घर से काम करने के लिए बहुत ज्यादा फायदे करते हैं। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह की आपको और जानकारियां देती रहूं, क्योंकि घर से सभी काम कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको आती ही हैं, और ये प्रॉब्लम्स चुटकियों में हल हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स आनी चाहिए। तो जल्द मिलते हैं।